बहुजन समाज पार्टी आपको चले तो महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। आपको चले बहुजन समाज पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर तीन प्रत्याशियों को नामों का ऐलान कर देगा और तीनों ही प्रत्याशियों को मैदान में उतार देंगे। वो कौन सी तीन सीटें वो भी हम आपको बताने चले। आपको चले महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव होने और बहुजन समाज पार्टी की ओर से भवनाथपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपको पंकज कुमार चौबे को यहां पर टिकट देकर मैदान में उतारने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपको ये गढ़वा से बहुजन समाज पार्टी की ओर से अजय कुमार चौधरी को उर्फ अजय मेटल को आपको चले तो यहां पर टिकट देकर मैदान में उतारने का फैसला लिया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको चले तो गढ़वा रंका सीट से बहुजन समाज पार्टी की ओर से अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय टंटल को, साथ ही आपको चले तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से भवनाथपुर विधानसभा सीट से पंकज कुमार चौबे को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता चले तो छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करके अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी ने आज अपने दो प्रत्याशियों को नामों का ऐलान कर दिया गया। बाकी भी आपको जो हर दिन लगातार अपने प्रत्याशियों को नामों का ऐलान किया जा रहा है। जैसे कोई बड़ी अपडेट सामने आती है तो अब तक आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।